नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाइड आई फैक्ट्स में। क्या आप चमत्कारों पर यकीन करते हैं या आफ्टर लाइफ यानी मौत के बाद के जिंदगी ऐसी बातों में मानते हैं? आज के साइंटिफिक युग में शायद आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब ना ही होगा, पर आज हम आपको प्रयागराज के एक ऐसे गांव में लेके जाने वाले हैं जहां के लोग ना तो केवल चमत्कार पर यकीन करते हैं, पर उस गांव में हुए एक अद्भुत चमत्कार से जुड़ी एक बेहद ही दिलचस्प कहानी भी बताते हैं। हमारा सफर शुरू होता है प्रयागराज से। प्रयागराज के इस यमुना ब्रिज को 2004 में बनाया गया था ताकि पुराने ब्रिज पर लग रहे जाम को कम किया जा सके। ये पुल प्रयागराज शहर को उसके पड़ोसी शहर नैनी से जोड़ता है। यहाँ से आगे बढ़ने पर हम प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर आ जाएंगे। इस हाईवे से 21 किलोमीटर पर एक टोल बूथ है। टोल बूथ के जस्ट आगे दाहिनी ओर जा रही सड़क हमें ले जाएगी सीधा हमारी मंजिल बेंदव गांव में। इस गांव में शुरुआत में ही एक रक्षक की तरह, या यूं कहूं कि सबसे पहले ही आपको दर्शन हो जाएंगे इस ऐतिहासिक मंदिर के जिसकी हम बात कर रहे हैं। गांव में सब इस मंदिर को बहुत पूजते हैं, पर गांव से बाहर इस मंदिर के बारे में किसी को नहीं मालूम है। इस मंदिर को स्थानीय लोग बाबा गौपाड़े और गौपड़ाइन का मंदिर बोलते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि मंदिर के बगल में इस तालाब में लोग नहाने आया करते थे और यह तालाब गांव में पानी का एकमात्र स्रोत हुआ करता था। लोग इस तालाब का पानी अपनी नित्य क्रियाओं से लेकर सिंचाई वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन फिलहाल तो ये अब नाम मात्र का बचा रह गया है। तो इस मंदिर की कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार गांव के एक दंपत्ति, जिन्हें गांव वाले गौपाड़े और गौपड़ाइन कहकर संबोधित करते थे, वो रोज की तरह इस तालाब के किनारे नहाने एवं पानी लेने के लिए आए हुए थे। पास ही कुछ शरारती बच्चे उस समय का प्रसिद्ध खेल गुल्ली डंडा जैसा कोई खेल खेल रहे थे और उसी में से किसी एक बच्चे के द्वारा जोर से मारी हुई गुल्ली गौपड़ाइन के स्तन पर आकर लग गई। प्रहार इतना तेज था कि गौपड़ाइन का स्तन छीण हो गया। उस हादसे से गौपड़ाइन की मौके पर ही मृत्यु हो गई और पश्चाताप करने के बजाय बच्चे खुश होने लगे। इस बात से गौपाड़े को बहुत धक्का लगा और वो रुष्ट हो गए। उन्होंने बच्चों को नष्ट हो जाने का श्राप दे दिया और वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। कुछ समय बाद किसी गांव के व्यक्ति को स्वप्न में गौपाड़े और गौपड़ाइन दिखे और उन्होंने उस व्यक्ति को बताया कि कल जब वो तालाब में स्नान करने जाएगा तो उसे तालाब से दो मूर्तियां मिलेंगी, जिन्हें लेकर वो आए और वहीं तालाब के किनारे उनका मंदिर बनवाए। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और वाकई उसे वहां गौपाड़े और गौपड़ाइन की दो मूर्तियां भी मिली। उसने उनका मंदिर बनवाया और तब से लेकर आज तक लोग इस मंदिर को पूजते हैं। गांव वालों के प्रति इस मंदिर की बहुत महत्वता है। आइए हम गांव के निवासियों से इस मंदिर के बारे में जानते हैं। कहानी इसकी है कि एक पंडित जी थे और दोनों आदमी बूढ़े, और वो गांव में उधर पूरब तरफ रहते थे, पश्चिम तरफ इधर जो है ठाकुर लोग रहते थे। तो ठाकुर के बच्चे खेल रहे थे, उस समय खेल का नाम था चिचिन्ना। तो उन्होंने बच्चों को मना किया कि बच्चों रुक जाओ, हम निकल जाएं तब खेलना, लेकिन बच्चे शैतानी के मारे गिल्ली डंडा खेलना बंद नहीं किए और एक बच्चे ने गिल्ली मारी डंडे से और जो दादी थी उनकी पत्नी उनका स्तन कट गया। उन लोगों ने बजाय उसका पश्चाताप करने के हंसी उड़ाने लगे, दोनों आदमी आए यहीं स्नान किए और यहीं जो है प्राण त्याग दिया और कहा तुम लोगों का जो है नाश कर देंगे। उसके बाद हमारे ही परिवार के एक ताऊ जी हैं, उनको स्वप्न आया कि हमारा यहाँ मंदिर बनवाओ, तो उन्होंने ये मंदिर का निर्माण करवाया और इस मंदिर में लोग जो भी मनोकामना होती है लोग जाते हैं, मनोकामना उन वहाँ उनसे मांगते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। और ये मंदिर बहुत ही पुराना है, हम ये मंदिर जब बना तब हम पैदा भी नहीं हुए थे, हम लोगों के पापा लोगों के बचपन का है ये मंदिर, पापा लोग ये कहानी बताते हैं। तो ऐसी ही है इस अद्भुत गांव की कहानी।
ये गांव लोगों के बीच होकर भी लोगों से अनजान है। सिर्फ गांव के मूल निवासी ही इस मंदिर की महानता को जानते हैं। हमने सोचा कि इस अद्भुत कहानी को मरने नहीं देना चाहिए और ये आप सब तक जरूर पहुंचानी चाहिए। हमारी भारत की इस अद्भुत संस्कृति को आप सब तक पहुंचाने का और जीवित रखने का एक छोटा सा प्रयास है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। हम ऐसी रोचक, हैरान कर देने वाली और अनसुनी जानकारियां आप तक लेकर आते रहते हैं। हमारी अगली नोटिफिकेशन अपने फोन में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।